दोस्तों, अगर आप YouTube वीडियो बनाते हो और आपको डुअल चैनल की बोया माइक चाहिए, वायरलेस माइक चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने YouTube वीडियो बनाता है, किसी ने मोबाइल से, किसी ने DSLR से बनाता है, लेकिन तीन चार लोगों के पास से माइक्रोफोन रहना ज़रूरी होता है उस समय वॉइस कवर करने के लिए। तो उस समय क्या होता है, वायरलेस माइक आपके पास हो जाए तो 100 मीटर तक, अगर तीन लोग हैं तो तीन जगह पर है, तो जो बात कर रहा है आपकी मोबाइल पर, आपकी DSLR पर रिकॉर्ड हो जाएगा, अगर इस टाइप की माइक्रोफोन आपके पास है तो। वायरलेस डुअल चैनल माइक्रोफोन, इसकी लिंक मेरा वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अमेजोन फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है, आप बाई कर सकते हो। तो अभी इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। अगर आप YouTube वीडियो बनाते हो और DSLR या मोबाइल से आप वीडियो बनाते हो, तीन चार लोग मिलकर कोई भी प्रैंक वीडियो या तो कुछ भी वीडियो बनाते हो, तो आपके पास इस टाइप की वायरलेस डुअल चैनल माइक्रोफोन की बहुत ही ज़रूरत है। और आप इस तरह माइक्रोफोन ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ किस टाइप की माइक्रोफोन ये है, और ये बोया कंपनी का है, बहुत अच्छा साउंड देता है। तो सबसे पहला मैं इसको अनबॉक्सिंग करके देखा ही देता हूँ, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कैसे। तो क्या दोस्तों, देख सकते हो ये जो बॉक्स है, मैं चारों तरफ घुमा के देखा ही देता हूँ। मैं थोड़ा पहले अमेजोन से ही मंगाया, इसकी रेट है लगभग 15,000, अप डाउन हो सकता है, मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करके देखा रहा हूँ, आप सभी लोग देख लीजिए तो पता चल जाएगा। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जो कुछ दिया है ये, तो पूरा अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। सबसे पहला सब निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर एक कार्ड भी है, कौन सा, हाँ ये रख देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर एक कवर दिया है, और यहाँ पर एक कस्टमर केयर का कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पर रख दिया मैं, और ये छोड़ दूँ। और इस पर है रहता है आपकी जो चार्जिंग पोर्ट रहता है, और मोबाइल पर कनेक्ट करने के लिए, DSLR पर कनेक्ट करने के लिए ये रहता है, और ये है चार्जिंग पोर्ट, ठीक है। तो ये बहुत मिलता है, तीन का मंगाया तो डुअल चैनल का, तो ये एक है, दो है, तीन, चार, पाँच, छः, सात, टोटल सात मिला है। यानी कि माइक्रोफोन के लिए दो दिया है, और मोबाइल कनेक्ट, DSLR कनेक्ट के लिए दो है, और चार्जिंग के लिए तीन है, क्योंकि ये तीन माइक है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर रख दिया, और उसके बाद जो आया है ये दिखा देता हूँ ये क्या मिला है। यहाँ पर जो माइक्रोफोन की सामने लगाने के लिए ये दिया है, ये लगाते हो तो कहीं पर रखते हो इस तरह तो देखने को नहीं मिलता है, कपड़ा की तरह हो जाता है, लेवल बराबर हो जाता है। तो ये भी दिया है, दो दिया है, और चाहो तो आप ये भी लगा सकते हो, छोटा सा पॉन्ग्स की तरह है, ये भी लगा सकते हो। तो ये मैं सब यहाँ पर रखा, और अभी जो माइक है इसको अनबॉक्स करता हूँ। यहाँ पर एक ये एक मेनू कार्ड है, किस तरह क्या करना है, कैसे कनेक्ट करना है, सब ये मेनू कार्ड देखकर आप कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ स्टिकर दिया है, बोया स्टिकर आप कहीं पर लगा सकते हो, जैसे कि बोया कंपनी का बहुत कुछ मैं भी लिया था, बोया यूट्यूब पर माइक लिया था। यहाँ पर देखिए, पहले ही मैं स्टिकर लगा के रखा, यहाँ पर देख लीजिए पहले लगा के रखा, और अभी और भी मिला है, साथ में चाहो तो लगा सकते हो। बोया का बहुत कुछ मैं यूज़ करता हूँ, बहुत स्टिकर आता है इस तरह। तो अभी है यहाँ पर तीन माइक, इसको अनबॉक्स करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो तीन माइक है, एक DSLR के सामने रख सकते हो, और दो कहीं दो लोगों के पास रख के बात कर सकते हो, और एक DSLR के साथ कनेक्ट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीन रख दिया, तो ये तीन काम
कितना कर सकता है वो पहला बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 100 मीटर दूर से आप बात कर सकते हो, 100 मीटर दूर से आप बात कर सकते हो। एक बार चार्ज देते हो तो 7 आवर्स यानी कि 7 घंटा तक बैकअप रहता है एक बार चार्ज करते हो तो। और इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है ये है टाइप सी, तो सिर्फ उतना ही है और आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और बाकी तो देखिए ये इस तरह रख सकते हो, इस तरह पूरा रख सकते हो कहीं पर। और इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर माइक्रोफोन है, आप जो बात करते हो इस पर जाएगा। और यहाँ पर जो चाहो तो आप इसको कनेक्ट करके DSLR पर लगा सकते हो या तो मोबाइल पर भी आप लगा सकते हो, इस तरह मोबाइल पर भी लगा सकते हो और DSLR पर भी लगा सकते हो। और यहाँ पर जो दिया है माइक्रोफोन, इसको यहाँ पर लगा कर आप ये पैकेट पर लगा सकते हो। एक ओपन करके दिखाई देता हूँ, आप इसको पैकेट पर रख के ये इसको यहाँ पर रख सकते हो। ये मान लो मैं पैकेट पर रख दिया और इसको यहाँ पर रख सकते हो। और दो लोगों के पास, एक है DSLR के पास रहेगा और एक किसी और के पास देकर आप दोनों माइक पर बात चलते रहेगा और आपके मोबाइल पर DSLR पर रिकॉर्ड होते रहेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखकर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर एक लाइक कीजिए और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना तक, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।